भीख मांगकर गुजारा करने वाले वृद्ध महिला की अपना घर आश्रम में मौत। महिला के नाम 7 बीघा समी। मौत के बाद आए परिजन। अपना घर आश्रम में रह रही एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि वृद्ध महिला भीख मांगकर अपना गुजर बसर करती थी। बीते दिनों अपना घर आश्रम को उस महिला के बारे में पता चला तो वो उसे आश्रम ले गए। तब से वृद्ध महिला वहीं पर रह रही थी। आज उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजन मौके पर आ गए। बताया जा रहा है कि मृतक वृद्ध महिला के नाम से 7 बीघा जमीन है, जिससे उसका चचेरा भाई जोत रहा है। जानकारी के अनुसार खरौना की रहने वाली वृद्ध महिला गीता के कहने को तो भाई और लड़की भी थी, लेकिन जिंदा रहते उसकी सुध नहीं ली। इसके कारण वो बेघर हो गई और शिवपुरी शहर की सड़कों पर भीख मांग कर अपना गुजर बसर करने लगी। वृद्ध महिला जहां कहीं भी जगह मिलती रात गुजार लेती। इसके बाद वो फिर से मंदिरों रास्तों से निकलने वाले लोगों से भीख मांग कर अपने पेट भरने का इंतजाम करती थी, लेकिन किसी तरह वृद्ध महिला के दिन गुजर रहे थे। इसी बीच अपना घर आश्रम के लोगों ने जब वृद्ध महिला की जानकारी लगी तो वो 25 फरवरी को आश्रम ले गए। आश्रम के संयोजक गौरव जैन ने बताया कि जब वृद्ध महिला गीता को लाया गया था तब उसकी हालत खराब थी। उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर गए थे। यहाँ पर उपचार के बाद उसे आश्रम ले आए, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई। गौरव ने बताया कि वृद्ध महिला की मौत के बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। इसमें उनके चचेरे भाई जो कि खरौना के रहने वाले हैं वो आए। जब से उनके भाई से अन्य परिजनों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उनकी एक बेटी रामवती है जो कि जटवारा गांव में रहती है, जिसको पता लेकर सूचना दी गई है। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अमरोदा का। तो ये माता जी जो खत्म हुई है वो आपकी कौन थी? सास। कहाँ पे खत्म हुई है, कैसे खत्म हुई है? अब सब ये तो जानकारी नहीं है, हम तो घर से आए हैं अभी। अलीन ने फोन लगाया साहब तो, साहब ने तब। अच्छा। हाँ हम तो नहीं थे। नहीं कब से गायब थी? जो माने महीना से माने जैसे वैसे आ गई थी, वो यही रहती थी। यही अस्पताल में ही। तो साहब मैंने हमको खबर नहीं दी। खबर देती तो हम तो आते लेके। मैं तो एक बार उन्होंने ग्वालियर से भी लाया था, मैं तो रखता हूँ। मैं आपको बताऊँ नहीं है बेटा, बेटा कुछ नहीं, एक ही लड़की है बस। हाँ गौरव जैन है। मैं अपना क्या करते हैं आप? मैं अपना घर आश्रम का संयोजक हूँ। ये अभी महिला की मृत्यु हुई है, वो कैसे हुई? ये महिला हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में ही थी। डॉक्टर पिपिल सर का फ़ोन किया था तो 25 तारीख को हम इनको अपना घर आश्रम ले गए। वहाँ सेवाएँ चल रही थी इनकी और आज सुबह इन्होंने 5:30 बजे अंतिम सांस ली। उसके बाद हम इनको सरकारी अस्पताल में लेके आए और यहाँ पर पुलिस को सूचना दी। और इनके परिवार वाले जो थे, हम कल शाम को इनके परिवार से संपर्क हुआ। इनके चचेरे भाई जो खैरोना में रहते हैं उनसे संपर्क हुआ और आज सुबह उनको हमने सूचित कर दिया था कि यह शांत हो चुकी हैं। उनके परिवार के लोग अभी आ गए हैं और उनकी बेटी अभी आनी बाकी है जो जटवारा गाँव में रहती है, तो वो आने के बाद ये पता पड़ेगा कि वो उनको दाह संस्कार कहाँ होगा। इनका आगे की प्रक्रिया वो पुलिस के माध्यम से और उनकी बेटी के माध्यम से पूर्ण होगा। विवाद चल रहा है वो किस बात के लिए? वही इसलिए कि उनके अभी जो परिवार के लोग आए हैं उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी नहीं है। फिर बाद में पता पड़ा कि उनकी बेटी है, जिंदा है, तो बेटी का फ़ोन नंबर लिया गया पुलिस के माध्यम से सब, और फिर उनकी बेटी को अब बुला रहे हैं और उनके आने के बाद ये सारा क्लियर होगा कि ये रोड पे कैसे आई, किस अवस्था में थी, क्या कारण है। वो उनकी जा रहा है इनके नाम 9 बीघा जमीन वगैरह, वो बता रहे हैं कि 7 बीघा जमीन है। अब वो आने के बाद उनका जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, वो किताब रखी हुई है, उनका आधार कार्ड रखा हुआ है। अब वो आके फिर पुलिस कार्रवाई होके पुलिस उसको देखेगी कि कितने बीघा जमीन है। ये उनके चचेरे भाई ने बताया कि उनके 7 बीघा जमीन है। अब और कितना पैसा है उनके, पैसा निकला है कुछ 9,000 कुछ पैसा उनके पास निकला, कुछ सिक्के और कुछ पैसे उनके पास जो आश्रम पे अभी हैं वो आश्रम फिर पुलिस के माध्यम से उनके परिवार को सुपुर्द करेगा। उनका आधार कार्ड, उनके जो भी कार्ड जो बैंक की पासबुक है वो सब उनको सुपुर्द करेगा। अभी तक कोई भी नहीं आया, वो तो सिर्फ उन्होंने आधार कार्ड के माध्यम से, हमने उनका प्रयास किया, श्री कमलेश गुप्ता जी हमारे सदस्य हैं, उन्होंने प्रयास किया पुलिस के माध्यम से, सिरसौत पुलिस की मदद से इनके हम परिवार तक पहुंच पाए।
और यहाँ पे लाने के बाद हमारे शर्मा सर जो हैं पुलिस अधिकारी, उनके माध्यम से ये हम उनकी बच्ची तक पहुँच पाए, नहीं तो शायद हम बच्ची तक भी पहुँच नहीं पाए। क्या नाम है उसका? हाँ, उनका गीता भाई नाम है। पति का नाम? पति का नाम उसमें आधार कार्ड में, लड़की का नाम, लड़की का जामवती नाम है उसमें। कौन सा माला है ये?